देखो डॉपलर इफेक्ट क्या है, सपोज करो एक एम्बुलेंस आ रही है, आप खड़े हो और एम्बुलेंस जब आती है तो सायरन की जो पिच है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और स्पेशली तब बात हो रही है जब वो चलती, जब वो मूव करती हुई आ रही है, खड़ी हुई नहीं, खड़ी हुई तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी आती रहेगी कानों में। तो जैसी वो एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आ रही है तो आपको उसकी श्रिलनेस, श्रिलनेस को बोलते हैं पिच, पिच को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ज्यादा सुनाई देगी, तीखापन ज्यादा सुनाई देगा। और जैसी वो आपको क्रॉस करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और उसकी जो श्रिलनेस है वो कम हो जाएगी, तीखापन कम हो जाएगा उसका। आप आंख भी बंद कर लोगे ना, अब बता दोगे एम्बुलेंस क्रॉस कर गई, एकदम आती है और एकदम चली जाती है, ठीक है यहाँ तक? तो कई लोग कहते हैं लाउडनेस कम होगी, नहीं आवाज नहीं कम होगी, सायरन तो उसी लाउडनेस पे बज रहा है, चाहे वो इधर जब इधर थी और जैसे इधर चली गई, दोनों में इमीडिएटली आपको चेंज नजर आएगा। तो जबकि सायरन वही है, सायरन जो साउंड निकाल रहा है वो एक कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी की निकाल रहा है, तो चेंज ही नहीं कर रहा, पर सुनने वाले को चेंज सुनाई दे रहा है, सुनने वाले को ऐसा लगता है उसे कि चेंज हो गई फ्रीक्वेंसी, और वो भी कब, जब वो एम्बुलेंस चलती उसको क्रॉस करेगी या वो एम्बुलेंस को क्रॉस करेगा, कुछ भी, यानी कि देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन, कोई तो मूव करे दोनों में से तो ही अफेक्ट आएगा। अगर एम्बुलेंस खड़ी है और वो भी खड़ा है तो अफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज उसको सुनाई नहीं देगा। इस अफेक्ट को आप डॉपलर अफेक्ट बोलते हैं। ट्रेन आती है स्टेशन पे, एकदम मूव करती हुई आती है और चली जाती है, और हॉर्न सायरन बजाती हुई आ रही है, तब भी ऐसा फील होता है ट्रेन आ रही है, एकदम आवाज बहुत तीखी होती है और एकदम चली जाती है, कोई हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, आपको बहुत कॉमनली फील होगा। आज मैं आपको आवाज सुनाऊंगा अभी वीडियो में कि कैसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक? तो डॉपलर इफेक्ट है, इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन अपेरेंट पिच ऑफ द साउंड। एक्चुअल पिच नहीं चेंज हुई, सायरन तो उसी कंपनी का है तो वैसे ही बज रहा है, लेकिन अपेरेंट का मतलब उसको लगता है, ठीक, ऑब्जर्वर को लगता है, ड्यू टू, ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। सोर्स ऑफ और लिसनर के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन है तब ऐसा होगा। इट इज फाउंड दैट पिच ऑफ द साउंड अपीयर्स मोर व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर, और अपीयर्स लेस, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है जब ये क्या होंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। इस अफेक्ट को सुनने वाले को ऐसा लगता है, इस अफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम कुछ केसेस करने वाले हैं, आपको इसके फॉर्मूलाज लिखने को भी आ सकते हैं पेपर के अंदर कि आप ये केस का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट भी लिखने को आता है, तो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, इंपॉर्टेंट है, और ये खुद भी आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन के अंदर इसमें नीट में और मेन नीट में तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा डॉपलर का 100%। आपके स्कूल लेवल एग्जाम के अंदर भी इसका न्यूमेरिकल आएगा, आएगा थ्योरी भी आ सकती है एक दो केस, पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत ईजी है, और मेंस के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं डॉपलर्स के। क्या करने वाले हैं हम इसमें, ये करने वाले हैं कि जैसे सपोज, जैसे सपोज आपके पास एक सोर्स है, जैसे सायरन है, सोर्स है, एक सोर्स है, जैसे एक सायरन बज रहा है, और ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहें तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर सोर्स ने फ्रीक्वेंसी बाहर निकाली न्यू नॉट, सुनने वाले को न्यू नॉट ही सुनाई देगी, बात ही खत्म। लेकिन अगर ये सोर्स मूव करता है और ऑब्जर्वर किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होके सुनाई देगी। ये पहला केस आज हम डराइव करेंगे। दूसरा केस करेंगे कि अगर सोर्स पास आने की बजाय कहां जा रहा है, दूर, और दोनों केस में ऑब्जर्वर किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। दूसरा केस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। तीसरा केस, अगर सोर्स किस पे है, एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। नेक्स्ट केस करेंगे, अगर सोर्स किस पे है, एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर पास आने की बजाय दूर जा रहा है। चार केस। नेक्स्ट केस करेंगे इसमें आज कि अगर आपका ऑब्जर्वर मूव करता हुआ आ रहा है और सोर्स
मूव करता हुआ आ रहा है, ऑब्जर्वर मूव करता हुआ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी ऑब्जर्वर को? और नेक्स्ट केस, अगर सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी? नेक्स्ट केस, अगर सोर्स इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो क्या सुनाई देगी? और आखिरी केस, जब सोर्स इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर उसका पीछा कर रहा है, तो क्या सुनाई देगी? तो ऐसे बहुत सारे, आप सोचेंगे 8 फॉर्मूले, नहीं, फॉर्मूला मैं आपको बना के सारे दिखाऊंगा, पर एक फॉर्मूला ऐसा है जो सारे केसेस ड्राइव कर देगा जितने भी हैं, तो यानी कि फॉर्मूला का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वह अकेला ही फॉर्मूला सारे केसेस को ड्राइव करता जाएगा। पर पहले हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि इसमें बनेगा कैसे। तो इसके लिए पहला केस है, जब सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, सोर्स सायरन जो है वो बजता हुआ आ रहा है, और सुनने वाला लिसनर किस पे खड़ा हुआ है? एट रेस्ट। इमेजिन कर लिया। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले आप एक लॉजिक को समझें कि अगर मान लो आपके पास ये एक वेव है और दूसरी आपके पास ये एक वेव है, इसी जगह में नंबर ऑफ वेव अगर टाइट है तो ज्यादा बनेंगी, खुली है तो कम बनेगी, और टाइट है तो ज्यादा बन जाएंगी। तो यानी कि अगर लैम्डा बड़ा रखते हैं, लार्ज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। और अगर लैम्डा कम रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, तो अगर लैम्डा कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, अब इमेजिन करें एक मिनट के लिए, साउंड को तो आप इमेजिन कर नहीं पाएंगे, आपको पार्टिकल तो दिखते ही है, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके हाथ में और मेरे हाथ में एक रस्सी है, तो आपने पकड़ ली, मैंने पकड़ ली, और मेरा हाथ नंबर ऑफ वेव जनरेट कर रहा है एक सेकंड में, और मेरा हाथ ऊपर नीचे मूव करके 10 वेव जनरेट करता है एक सेकंड में, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो इससे पूछा गया कि बता भाई, तू जो ये नंबर ऑफ वेव रिसीव कर रहा है, तो कितनी वेव रिसीव कर रहा है? ये कहेगा जितनी सेंड की, सेंड कितने की? 10। रिसीव भी कितनी है? 10। बात खत्म। अब इमेजिन करो सेकंड केस, मैंने कहा ऑब्जर्वर तू यहीं पर है, तेरे को नहीं मूव करना, मैं रस्सी का एक कोना पकड़ता हूं और भागता हुआ आता हूं, और वेव 10 ही जनरेट करता हूं, लेकिन मैं भागते 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 जनरेट करूंगा, तेरी तरफ आऊंगा। अब वही वेव जो खुले में बन रही थी, थोड़ी क्या हो जाएंगी? टाइट हो जाएंगी। ऐसे ये ऑब्जर्वर यहां पर है, वेवलेंथ है, क्या वेवलेंथ है ओरिजिनल? लैम्डा नॉट। कोई बंदा भागता हुआ आ रहा है, सोर्स भागता हुआ आ रहा है, तो यहां पर आया वेव, तो उसने जनरेट करनी, और सुनने वाला वहीं खड़ा है क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, पर आपको लगता है कि वेवलेंथ थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भागता हुआ आ रहा है, तो वेवलेंथ कम होने से क्या हुआ? आपकी फ्रिक्वेंसी में क्या आ जाएगा? थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए, और अगर ये नहीं भागता तो फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही लॉजिक है इसका, कि आप एक काम करें, इसके अंदर टोटल जो वेवलेंथ है शुरू में कितनी है? लैम्डा नॉट। सोर्स भाग रहा है विद वीएस, एक वेव जनरेट करने का समय क्या होता है? कैपिटल टी। तो सोर्स जब यहां से यहां आया तो एस इज इक्वल टू वी टी, और टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स ने डिस्टेंस कितना कवर किया? वीएस इंटू 1/न्यू नॉट। ठीक हो गया। तो अब जो नई वेवलेंथ आई उसका नाम क्या दिया? लैम्डा अपेरेंट। लैम्डा अपेरेंट का मतलब नई वेवलेंथ है जो लैम्डा नॉट से कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जो लैम्डा अपेरेंट होगा, लैम्डा नॉट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? वीएस इनटू 1/न्यू नॉट। ये देखो, लैम्डा अपेरेंट क्या हुआ? लैम्डा नॉट इंटू वीएस बाय न्यू नॉट। क्लियर है यहां तक? तो नई वेवलेंथ आ गई, बस यही केस है इसमें। लैम्डा नॉट क्या होता है? वी बाय न्यू नॉट। तो यहां से ये कॉमन आ गया न्यू नॉट, तो ये नई वेवलेंथ आ गई। अब लेकिन हमने नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो जो आपने लैम्डा निकाला उसको डिनोमिनेटर में पुट कर दें ऊपर से नीचे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। आपने फॉर्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अगर सोर्स भागता हुआ आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, न्यूमिनेटर ज्यादा है, फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन है, तो न्यू अपेरेंट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी अगर कोई भी वेव आपकी तरफ या सोर्स आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कुछ नहीं करना है इसमें। ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, नई वेवलेंथ में से ये डिस्टेंस को माइनस कर देना है, तो लैम्डा अपेरेंट आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी वहां से नई कैन बी कैलकुलेटेड।
तो ये पहला फॉर्मूला आप प्लीज इसमें याद करें, और इस पूरे फॉर्मूले में v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, आवाज की स्पीड है, ये नहीं चेंज होती 332 है, और vs का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स एम्बुलेंस का या जो भी सायरन है ट्रेन उसकी स्पीड है, और न्यू नॉट क्या है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो सायरन में से निकल रही है, और न्यू डैश क्या है, एपरेंट क्या है, जो सुनने वाले को ऑब्जर्व हो रहा है न्यू नॉट से ज्यादा सुनाई दे रही है, न्यू एपरेंट है। तो आपको सिंपली सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको न्यू एपरेंट निकालना होता है। पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला, अगर सोर्स पास आने की बजाय दूर जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर के फॉर्मूले में वीएस का साइन चेंज, उसमें क्या था, ये था वीएस नेगेटिव कर दो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर है, जब सोर्स पास आएगा तो न्यूमेरिकल में पहला फॉर्मूला, जब दूर जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला। दो, नेक्स्ट, व्हेन लिसनर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, अब उल्टा हो गया, अब एक काम करते हैं, एम्बुलेंस सोर्स है उसको वहीं रहने दो, अब सुनने वाला एम्बुलेंस की तरफ भागेगा तो लिसनर एम्बुलेंस की तरफ भाग रहा है, ध्यान देना प्लीज। इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि यहां से आप कोई वेव जनरेट कर रहे हो और मेरे जो ईयर्स हैं उसको काउंट कर पा रहे हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव पास, यहां से पास होती भी जा रही हैं, वेव पास होती भी जा रही हैं, यहां से पास होती भी जा रही हैं। तो आपने पूछा, मैं खड़ा हूं, आप भी खड़े हैं, तो आप वेव जनरेट कर रहे हैं, आप सोर्स हैं और मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैं खड़े खड़े काउंट कर सकता हूं कि आप, क्योंकि आप नंबर ऑफ वेव तो कॉन्स्टेंट जनरेट कर रहे हैं, मान लो एक सेकंड में पांच, तो आपने पूछा कि कितनी वेव क्रॉस कर रही है, मैंने कहा एक सेकंड में पांच, बात खत्म, हमें से कोई नहीं मूव कर रहा, तो अगर मैं खड़ा भी हूं ऑब्जर्वर तो कम से कम पांच वेव तो फिर भी काउंट कर लेता हूं, ठीक है। अब सोचो अगर वेव ऐसे आ रही है और मैं ऑपोजिट मूव कर रहा हूं, तो आपको लगता नहीं कि एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव क्रॉस कर जाएंगी? इमेजिन करो, अच्छा ऐसे समझ लो, लोग जा रहे हैं सड़क पे, लोग जा रहे थे, मैं खड़ा हूं, एक बंदा एक वेव है, तो एक सेकंड में पांच बंदे क्रॉस कर जाते हैं मेरे को, मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब सोचो अगर मैं उन बंदों के ऑपोजिट मूव करता हूं तो ज्यादा लोग क्रॉस करेंगे, सिंपल है, और जितनी तेजी से मूव करूंगा उतने लोग और क्रॉस करेंगे, तो आपको लगता नहीं मेरे कानों की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी सुनने की, क्योंकि पहले खड़े खड़े तो पांच है ही है, और मेरे चलने से पांच से तो ज्यादा ही हो जाएगी कम से कम, बिल्कुल वैसे ही है, नंबर ऑफ वेव खड़े खड़े न्यू नॉट तो है ही है, न्यू डैश न्यू नॉट तो है ही है, अगर मान ली ऑब्जर्वर की स्पीड है, इसको अगर छोड़ दें रेस्ट पे है, तो न्यू नॉट तो फिर भी मेरे कानों में नंबर ऑफ वेव में काउंट कर ही लूंगा, और अगर मैं चलूंगा तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव इसमें पर सेकेंड काउंट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड का मतलब एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, मेरी स्पीड पे, अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन वेव की वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑन वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ये पहला स्टेप समझ में आ गया यहां तक? तो आप सोचें अगर यू नॉट जीरो है तो न्यू नॉट तो फिर है ही है ना, कम से कम यू नॉट तो पहले भी था, और मेरे चलने की वजह से नंबर ऑफ वेव बढ़ गई इसमें, तो ये टर्म आ गई, और लैम्डा क्या है इसमें, v बाई न्यू नॉट, तो कुछ नहीं है बस पुट कर दो, न्यू नॉट कॉमन आ गया, फॉर्मूला बन गया, याद कर लो फॉर्मूला। तो आज के बाद अगर ऑब्जर्वर सुनने वाला सोर्स की तरफ आएगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। तीसरा फॉर्मूला, और फ्रिक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, साफ पता लग रहा है न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक। अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास आने की बजाय सोर्स से दूर जाए तो यू नॉट क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, तो यहां करेक्शन कर लेना, ये वाला डी केस है, लिसनर मूव टुवर्ड्स नहीं है, यहां पर क्या आएगा, अवे, तो ये फॉर्मूला अवे का है, प्लीज नोट कर लो, ये फॉर्मूला अवे में लगेगा। चार फॉर्मूलास क्लियर है, तो कुछ नहीं आपके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ केस आइडेंटिफाई करना है, कौन किसके पास आ रहा है बस, अगर आपको ये मालूम पड़ गया लगाओ फॉर्मूला आंसर, ठीक है आता। तो चार, नेक्स्ट देखो, अगर सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के आमने सामने पास आ रहे हैं, ये देखो ये वाला केस, ये केस है कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अगर सोर्स न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी निकालता है तो इसको क्या सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, ये क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। देखो इसको हम दो स्टेज में करेंगे, पहला आप इमेजिन करें कि
ये सोर्स है और मैं ऑब्जर्वर हूँ। चलो बारी बांट लेते हैं, हमने मूव तो इकट्ठे ही करना है, एक आमने सामने आने। मैं इसे बोलता हूँ ठीक है एक काम करते हैं, तू सोर्स है, मैं खड़ जाता हूँ पहले रेस्ट पे, तू मेरे पास आ। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू नॉट, इसने फ्रिक्वेंसी निकाली और मेरे को क्या सुनाई देगी, न्यू डैश। और न्यू डैश क्या होगा, जब सोर्स पास आता है तो ये पहला फॉर्मूला जो आज हमने किया। अब यानी कि न्यू नॉट की जगह मुझे ऑब्जर्वर को न्यू डैश सुनाई देगा। अब मेरी बारी है भागने की, मेरी भी तो भागना है इसकी तरफ। तो अगर मैं भी इसकी तरफ जाऊं तो फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, आज हमने किया ऑब्जर्वर मूव करने का, तो ऑब्जर्वर को न्यू नॉट की जगह न्यू डैश सुनाई दे रहा है। पर जब वो भागेगा तो वो न्यू डैश से भी और ज्यादा सुनाई देगी, मतलब ये स्टार्ट न्यू नॉट से हुआ था, सोर्स मूव करने की वजह से फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो गई और ऑब्जर्वर मूव करने की वजह से फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से भी आगे न्यू डबल डैश हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो टू स्टेज प्रोसेस हो गया, पहले फर्स्ट फॉर्मूला फिर सेकेंड फॉर्मूला। तो न्यू डैश को यहां से उठा के यहां पुट कर दें, जब पुट करेंगे वी से वी कैंसिल होगा। फॉर्मूला नोट करें, ड्राइव करने को नहीं आएगा ये, फॉर्मूला नोट करें। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ये फॉर्मूला नोट कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी काउंट होगी, ऑब्जर्वर की भी और सोर्स की भी। तो ये पांचवा फॉर्मूला क्लियर है। ये सबसे मेन फॉर्मूला मैं समझता हूँ, जिसको ये आता है उसको सारे केस आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। आप सोचो ऑब्जर्वर चल नहीं रहा तो यू नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, पहला फॉर्मूला। सोर्स नहीं चल रहा, ऑब्जर्वर चल रहा है तो फिर दूसरा फॉर्मूला। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला। किसी ने भी अगर रूल वायलेट किया और डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया उसका साइन नेगेटिव। जैसे अगर मान लो केस आ गया यू नॉट ऑपोजिट हो गया, इसने अपनी डायरेक्शन ऐसी रखी तो यूएस टू एज इट इज, इसकी जगह क्या जाएगा, नेगेटिव। तो जिसने डायरेक्शन चेंज की उसके आगे नेगेटिव, बन गए सारे केस खत्म। तो ये मेन फॉर्मूला है इसका, क्लियर है? जैसे यू नॉट ने डायरेक्शन चेंज की होगी अगले केस में, यू नॉट नेगेटिव। तो ये केस याद करने की जरूरत ही क्या है, अगर आपको ये केस आता है और ये पता है कि आमने सामने का फॉर्मूला है, जब नया केस बनेगा डायरेक्शन चेंज करके अपने आप नेगेटिव लगाते जाएंगे। क्लियर है यहां तक? और लास्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिशन में तो पक्का आता है, ठीक है? पहले वाले तो आता है, एनसीईआरटी में आते हैं ये कॉम्पिटिशन। भैया एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी नहीं है, है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पर मैं आपको एक इसका शॉर्टकट ही करा दूंगा ना, बना कैसे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है इस केस को। ये वो तो स्टैंडर्ड केस है, वो तो बुक्स में एनसीईआरटी में गिवन है। ये केस मैंने आपको बना के दिया, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर मैं आपको ये केस बनाने को मना करता हूँ, सीधा फॉर्मूला ही करवाऊंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पहले केस है क्या ये समझ लें, लास्ट केस है, ध्यान देखें आगे प्लीज, देखो आगे देखो प्लीज। तो केस ये है, मान लो एक कार है और एक दीवार है। कार जो है वो वॉल की तरफ मूव कर रही है और अंदर ड्राइवर बैठा है, वो सायरन बजाता हुआ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है सायरन की, न्यू नॉट। सायरन बजा रहा है तो इसका नाम क्या है कार का, सोर्स। ये सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है। सामने दीवार है तो फ्रीक्वेंसी निकली न्यू नॉट, दीवार पे गई साउंड, टकराई और वापस आ गई। अब सुनने वाला भी कार में बैठा है, सोर्स भी वही है कार है और सुनने वाला ड्राइवर जो है वो लिसनर है। अब लिसनर भी वही है। अब क्वेश्चन है कि इसने फ्रीक्वेंसी निकाली थी न्यू नॉट, गई रिफ्लेक्शन के बाद वापस आई, और आपको बताना है कि ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। इसको ना दो स्टेज प्रोसेस में बांटेंगे। फिर से आप पहले इमेजिन करें कि कार है, कार की स्पीड यूएस है, ये सोर्स है, और दीवार लिसनर है। दीवार इमेजिन करें लिसनर है, ठीक, दीवारों के कान है यहां पे आगे। अब अगर ये वॉल लिसनर है जो कि रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहा है इसकी तरफ, तो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी, न्यू नॉट। सुनाई कितनी दी वॉल को, न्यू डैश। तो न्यू डैश करेक्शन कर लेना, वी अपॉन वी माइनस यूएस इनटू न्यू नॉट, क्लियर है? करेक्शन कर लेना। तो यहां से फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट चली थी और यहां पर कितनी सुनाई दी, वी अपॉन वी माइनस वीएस इनटू न्यू नॉट। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? पहला केस क्लियर। तो न्यू डैश रिसीव करता है,
वॉल रिसीव करेगी, अब यही वेव न्यू डैश वापस जाएगी टकरा के, अब ड्राइवर कौन है, ऑब्जर्वर है। अब सोचें वॉल एक तरीके से हॉर्न बजा रही है, सायरन बजा रही है न्यू डैश का, तो अब ये वॉल क्या हुई सेकंड केस में, सोर्स, और सुनने वाला ड्राइवर कौन है, ऑब्जर्वर। अब केस क्या लगेगा, जैसे ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है और सोर्स रेस्ट पे है, दीवार रेस्ट पे है, उसकी तरफ ऑब्जर्वर आ रहा है, तो फॉर्मूला ऑब्जर्वर वाला लगेगा। अब दूसरे केस में, पहले केस में क्या लगा था फॉर्मूला, सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, दूसरे केस में सोर्स जो है वो वॉल है, रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर पास आ रहा है। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो ऑब्जर्वर की स्पीड फिर से कितनी है, यू नॉट नहीं है ना, इस बार यूएस ही है, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये लगेगा, यहां पर न्यू नॉट तो आपने लगा ही लिया था, कि जब न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी निकली तो न्यू डैश पहुंची, और जब न्यू डैश की निकली तो ड्राइवर को क्या सुनाई दिया, न्यू डबल डैश, और न्यू डबल डैश का फॉर्मूला ऑब्जर्वर का लगा दिया, यू नॉट की जगह यू एस, क्लियर है। उस न्यू डैश को उठा के यहां पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो ये सब कैंसिल, तो ये न्यू नॉट करना फिर से, तो करेक्शन है। सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, आप प्लीज अपना फॉर्मूला जरूर याद रखें, ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आज के बाद। अगर कोई कार वॉल की तरफ आती है तो और टकरा के साउंड वापस आती है तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, बात खत्म, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बातें खत्म है, क्लियर है यहां तक? तो केस भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कार की स्पीड तो गिवन ही होगी, तो दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी सेम ही है, v आपको 332 पता ही है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन, आंसर आ जाएगा न्यू, खत्म, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?